नीति आयोग भारत सरकार और भारतीय शिक्षण मंडल और युवा विकास केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आगामी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। एमबीसी पीजी गर्ल्स कॉलेज में आयोजित हुए इस सेमिनार में विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने नवीन शिक्षा नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। एमबीसी राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय में नीति आयोग भारत सरकार और भारतीय शिक्षण मंडल और युवा विकास केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य एक मुकम्मल और अच्छा इंसान बनाना है। दरअसल वक्त की जरूरत के मुताबिक नीति रीति में अनुकूल परिवर्तन जरूरी हो जाते हैं। उम्मीद है यह शिक्षा नीति स्थानीय और मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देकर सच्ची प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर प्रदान करेगी। यह उद्गार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नू ने मुख्य अतिथि के बतौर व्यक्त किए। कार्यक्रम के विशेष वक्ता अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के कार्यालय में प्रमुख गजराज डबास ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विस्तृत ब्यौरा देते हुए कहा कि यह बुनियादी तौर पर मेकाले की शिक्षा पद्धति से हटकर हमारी देशी प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ एक बेहतर और एक परिष्कृत वातावरण देगी। डबास ने बताया, इसमें पहले 5 वर्षों में खेलकूद, दूसरे 3 वर्षों में बुनियाद मजबूत करने पर जोर रहेगा, अगले 3 वर्षों में विद्यार्थी की दक्षता विकसित करने पर जोर रहेगा और 9वीं से 12वीं तक के 4थे चरण में मजबूती प्रदान करने पर जोर रहेगा। दबास ने बताया, अब आर्ट्स के विद्यार्थी साइंस और विज्ञान की कला के विषयों को एक साथ पढ़ने का विकल्प चुन सकेंगे। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर हुक्माराम सुथार ने कहा, उच्च शिक्षा में खासतौर पर छात्राओं के लिए इस नीति में नई राहत के प्रावधान है, जिससे यदि कोई 1 वर्ष पढ़ता है तो सर्टिफिकेट, 2 वर्ष तो डिप्लोमा और 3 वर्ष तो डिग्री और 4 वर्ष पर ग्रेजुएशन माना जाएगा। यदि बीच में किसी की पढ़ाई छूट भी जाती है तो भी विद्यार्थी के पास यह अवसर रहेगा कि वह उसी से आगे अध्ययन जारी रख सके। शिक्षा नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने में सहायता कर सके। अगर कोई समस्या वो देख रहे हैं कि इसमें ये दिक्कत आ सकती है तो उसके समाधान भी उन्हीं से मांगे जा रहे हैं, तो इसमें शिक्षकों को पूरी रूप से जुड़ने का अवसर मिल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये हमारे भारत की ज़रूरतों को पूरा करने वाली शिक्षा नीति है, जो युवानुकूल भी है और देशानुकूल भी है। ये सही अर्थों में भारतीय शिक्षा नीति है, क्योंकि जो पहले चली आ रही शिक्षा नीति है वो बहुत पहले अंग्रेजी हितों के अनुसार बनाई गई थी और उसमें कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुए थे, लेकिन ये जो शिक्षा नीति है ये उसमें आमूलचूल परिवर्तन करके एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए, अच्छे देशभक्त लोगों को बनाने के लिए ये शिक्षा नीति ज़रूर कामयाब होगी। किया गया, जिसमें टीचर्स के साथ में स्टूडेंट्स को भी ऐड किया गया और टीचर्स ने बहुत सारे तर्क वितर्क दिए इस सब्जेक्ट पर कि नवीन शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, उसके क्या सुझाव है, उसे कैसे बदला जा सकता है। इस विषय को लेकर 15 मिनट का हम सभी को टाइम भी दिया गया कि अलग अलग ग्रुप बनाकर हम उन चीज़ों को समझ सकें और अपने सुझाव गवर्नमेंट की वेबसाइट पर डाल सकें और बता सकें कि किस प्रकार से शिक्षा नीति में बदलाव किया जाना चाहिए और किस प्रकार से बदलाव हो सकते हैं। युवा विकास केंद्र समन्वयक मुकेश पचौरी ने इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के चिंतन और चिंता की दिशाओं पर प्रकाश डाला। सहायक आचार्य गणपत सिंह राजपुरोहित ने भी नीति की विशेषताओं पर अपना पर्चा पढ़ा। निजी शिक्षा संस्थान अध्यक्ष बाल सिंह राठौर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि इस नीति से उम्मीद है यह विद्यार्थियों की प्रतिभाओं को विकसित होने का समुचित अवसर प्रदान करेगी। वहीं दूसरे सत्र में समूह का प्रस्तुतिकरण हुआ, जिसमें लक्ष्मी बक्तानी, मुस्कान जैन, जयश्री छंगाणी, गवरी और रघुवीर सिंह तामलोर ने अपने समूह के साथ हुई चर्चा पर शिक्षा नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर गढ़वीर ने सत्र की अध्यक्षता की व निर्मल व्यास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही निजी शिक्षण संस्थान संघ ने जिला अध्यक्ष बाल सिंह राठौर की अगुवाई में प्राचार्य डॉक्टर हुक्माराम सुथार को राज्य स्तर पर सम्मानित करने पर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में महेश कॉलेज से प्रदीप राठी, माधव कॉलेज से रतन पटेल, दर्शन क्लासेस से दशरथ सोनी, द मॉडर्न स्कूल से मंजू जैन और आशा बाघेला, कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रिंसिपल लक्ष्मी बक्तानी, विद्या संस्कार स्कूल जोधपुर से चेयरमैन प्रफुल्ल कुमार टाक, गणेश कुमार, मांगीलाल जैन, दयालाल सांकला, गायत्री तंवर, सरिता लीलर समेत तमाम शिक्षाविद एवं छात्राएँ उपस्थित रहीं।